लिए मैं कुछ बताने नहीं आया हूँ। मैं जो करता हूँ वो मैं बताने आया हूँ, और जो भी बात मैं कहूँ उस पर विश्वास मत करें, क्योंकि ये बात मेरा हो सकता है, अगर आपके अनुभव तक वो नहीं उतरा तो आपका नहीं है। और कंप्लीट एजुकेशन से ही रिलेटेड है। अभी तक आप जो भी समझते हो, मेरे ख्याल से सामने में टीचर्स लोग हैं, आप लोग हैं, अभी तक जो मैं समझा हूँ कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज नॉट अ लर्निंग ऑफ फैक्ट, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, एजुकेशन इज द नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। ये मैंने कहा एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन जी ने ये कहा कि शिक्षा सिर्फ पढ़ाना नहीं है, शिक्षा का मतलब है कि आपने अपने माइंड को क्या ट्रेन किया, और मैं क्या करता हूं उसकी विषय में बताना चाहता हूं। मैं करता हूं कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ इनबॉर्न पोटेंशियल, हो सकता है बहुत 80% टैलेंटेड जो लोग हैं पूरे विश्व में उनके पास वो डिग्रियां नहीं है। कितने परसेंट? 80% मोस्ट टैलेंटेड पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड दे डोंट हैव द डिग्री। इसमें मां कहते हैं कि कौन कहती है मां अनपढ़ थी लेकिन पढ़े लिखे की किस्मत, तो 80% से भी ज्यादा मां जिसके पास में कोई डिग्रियां नहीं है लेकिन बच्चों की भविष्य है। तो हम जो काम करते हैं वो सिंपल सा है कि हर एक व्यक्ति संसार में कुछ ना कुछ कर्म करने के, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट लिया है, हर एक इंसान के अंदर, अगर उसके टैलेंट को अगर डिस्कवर कर लिया जाए और उस दिशा में काम कर दिया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत खुश रहेगा, बच्चा भी बहुत खुश रहेगा। तो हमारा ये काम होता है बिल्कुल टेक्नोलॉजी बेस्ड है, फिंगरप्रिंट के ऊपर, आपका फिंगरप्रिंट लेते हैं और आपकी जो जन्मजात प्रतिभा है, आप क्या बनने के लिए आए हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, आप कैसे सीखते हैं, आपके बच्चे जो एक साल का कोर्स करेगा उस 3 महीने में बना, वो टैलेंट डेवलप हो जाता है, उसके इंटरेस्ट को किस तरह से सीखे, 3 तरह का लर्निंग पैटर्न होता है, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक। कैसे पता चलेगा? ज्यादातर ये देखा गया है कि जिसने भी क्लास में बहुत बड़ा काम किया है उसके पास बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं था। स्टीव जॉब्स, लता मंगेशकर जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सचिन तेंदुलकर, उनका क्या एजुकेशन था, क्या एजुकेशन था, कौन सचिन तेंदुलकर 8 महीने में तो बात करी, लता मंगेशकर जी कितना पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, लेकिन उनकी जो टैलेंट तो आप सबके अंदर टैलेंट है, सभी के अंदर, और उस टैलेंट को डिस्कवर करो। और ये नहीं कि आपको मैं बता दिया, आपको कुछ नहीं बताना है, ये माँ के गर्भ में ही जब 13 वीक्स से लेकर 21 वीक के बीच में हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट और हमारे फिंगरप्रिंट का डेवलपमेंट साथ के साथ होता है। पूरे वर्ल्ड में सिग्नेचर के तौर पर फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। छोटा सा प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो ब्रेन और माइंड को अलग अलग समझते हैं या दोनों को एक ही समझते हैं? ब्रेन क्या और माइंड क्या? मैं भाषण पाठक और वाली हमारी कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं अपने विषय में आपको बताएंगे कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं पढ़ा, मैं सीखा हूं। अब ये बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, माइंड में और ब्रेन में क्या अंतर, कौन बताएंगे, कौन बताएंगे, बताइए है अंतर है, पता है? तो हम ब्रेन मैपिंग करते हैं, मैं इनफैक्ट क्या काउंसलर हूं कि आपको क्या करना है, आपके बच्चे को क्या करना है, आपका रिलेशनशिप इनके साथ में नहीं बनता है, उसके बीच में क्या कंफ्लिक्ट होता है, रिलेशनशिप आपका कैसा, गुड रिलेशनशिप कैसा हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कैसा हो, बच्चों का रिलेशनशिप कैसा हो, टीचर का आपस में रिलेशन कैसा हो, स्कूल का स्कूल का आपस का रिलेशन कैसा, जापान जैसा एक प्रश्न है कि जापान जैसा देश जहां पर 2 बार न्यूक्लियर वॉर हुआ या नहीं हुआ, नागासाकी हिरोशिमा पे, वहां पर हर एक दिन नेचुरल कैलेमिटीज होती है, प्राकृतिक आपदा आती है, वहां की भाषा इंग्लिश नहीं है, टेक्नोलॉजी नंबर 1 है, सब क्यों, क्योंकि बचपन में ही बच्चे को 5 से 10 साल की उम्र में उसको डिस्कवर कर लिया जाता है कि उस बच्चे की टैलेंट क्या है। और आप अपने टैलेंट में अगर मस्त होते हैं तो आपको टेंशन नहीं होगा,
टाइम और स्पेस से निकल जाएंगे। और ये सबके अंदर है, हर एक आदमी हर एक चीज नहीं कर सकता, लेकिन हर एक आदमी कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। और कुछ ना कुछ क्या करेगा, हम उसको डिस्कवर करते हैं। की कहानी नहीं हमारे पास, फिंगरप्रिंट लेते हैं, फिंगरप्रिंट के बाद उसमें हमारा लैब है, उसमें एनालिसिस करते हैं, 57 पेज का एक रिपोर्ट जनरेट होता है। उस रिपोर्ट के आधार पे हम आपके बच्चे को, आप जिसको भी चाहिए, कौन से बच्चे की लर्निंग पैटर्न क्या है, बच्चों का ईकी आईक्यू क्या होता है, कई बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होता है, हैंडल नहीं कर पाता है। क्राइम का जन्म जो है ना, दो ही जगह से पाता है, एक माँ जो चाहेगी वो कर सकती है, और दूसरा शिक्षा। टीचर और शिक्षा में इतनी ताकत है, कोई राष्ट्र का निर्माण, कोई सब कुछ का निर्माण। जब पहली बार इसीलिए पुरुषों से ज्यादा ज्यादा एजुकेट होना लड़की लड़कियों को एजुकेट होना तो बहुत इतना जरूरी है जितना कि और कोई एजुकेट होना बहुत जरूरी। एक भाई हमारे कह रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक पेरेंट्स है, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक सभी पेरेंट्स नहीं होते, कोई इलेक्ट्रिक हो सकता है, शब्दों का ज्ञान नहीं हो सकता, अक्षर का ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन वो समझदार है, क्योंकि हमारे सबके पास में फाइव सेंस है। सबके पास में है फाइव सेंस है नहीं, लेकिन उस फाइव सेंस के अलावा एक सिक्स सेंस है। उस सिक्स सेंस को जब एक्टिवेट करेंगे तो आपको पता चलेगा वो क्या सोच रहा है, और आपको सोच हमारे पास आपके पास तक है टेलीपैथी। आप लोगों ने सुना टेलीपैथी है, हम अजान देने के लिए जाते हैं, या मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो अल्लाह हो अल्लाह हो पर बड़े हैं गॉड, वही सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट अथॉरिटी, गॉड इज द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी। तो वो गॉड, गॉड तो है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, इसलिए नहीं समझ पाते कि हम इस फाइव सेंस के साथ ही कनेक्टेड है। इस फाइव सेंस से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे ना, तब तक उससे नहीं कनेक्ट हो पाएंगे। तो उस फाइव सेंस से ऊपर कैसे उठे, तो हमारे पास में डेमोस्ट्रेशन वाला प्रोग्राम है, देखना चाहेंगे आप, करना चाहेंगे, मैं दो मिनट में आपको पूरी करा सकता हूँ। व्हाट इज द माइंड, हमारे शब्दों का काम है, हम जैसा सोचते हैं ना वैसा बन जाते हैं। जैसा सोचते हैं तो सबसे पहले अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। क्या करना है, थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, और थॉट प्रोसेस को चेंज, जैसे नेगेटिव आ रहा उसको रिप्लेस करिए इमीडिएटली पॉजिटिव। अगर ऐसा